आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे शहर शहर खबर खबर में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में गुजरात की सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया है। बता दें कि निचली अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। वहीं गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने मोदी उपनाम वाले बयान को लेकर राहुल गांधी को दोषी ठहराया था। इस फैसले को लेकर राहुल ने सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई थी। बता दें कि राहुल गांधी की जो है सजा की याचिका जो है खारिज कर दी गई है। राहुल ने कोर्ट गुजरात के सेशंस कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जो कि याचिका खारिज कर दी गई है। मानहानि मामले में 2 साल की उनको सजा सुनाई गई है। बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी को जो है 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने सूरत सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जो कि अर्जी को खारिज कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, राहुल गांधी के लिए अब क्या आगे कितनी लंबी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि सूरत के सेशन कोर्ट ने उनके याचिका को खारिज कर दिया है। जी, आपको बता दें नंदनी कि लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी की तरफ से ललित मोदी, नीरव मोदी को लेकर मोदी सरनेम को एक टिप्पणी की गई थी, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि सारे मोदी चोर हैं। ऐसे इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्णेश मोदी की तरफ से सूरत के सेशन कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिसमें एक जाति को कहीं ना कहीं निशाना बनाने को लेकर राहुल गांधी पर एक याचिका डाली थी, जिसमें 23 मार्च 2023 को एक फैसला आता है। राहुल गांधी को इस मामले में 15,000 रुपये और 2 साल की उनको सजा सुनाई जाती है। साथ ही उसके बाद अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की सांसदी भी चली जाती है, क्योंकि अगर बात करें तो किसी भी सदन के सदस्य का 2 साल से अगर 2 साल से ऊपर या 2 साल तक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। इस मामले को सजा होने के बाद राहुल गांधी सूरत की सेशन कोर्ट में याचिका डालते हैं, जो आज याचिका खारिज कर जाती है, की जाती है। मान या हानि की इस याचिका को कोर्ट की तरफ से महज 3 मिनट में ही फैसला सुना दिया जाता है, और मंगेश नाम के माननीय जज की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है, और जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि इस मामले को कोर्ट से डिसमिस किया जाता है। जिसको लेकर अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं और तमाम पदाधिकारी हैं, वो राहुल गांधी के पूरे तरह से समर्थन में हैं। चाहे बात की जाए तो 23 मार्च को जब उनकी सदस्यता गई थी तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर भी उतरे थे। अब इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले को लेकर राहुल गांधी गुजरात के हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। वहीं देखने वाली बात ये होगी कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को की जो 2 साल की सदस्यता रद्द की गई है, इसमें कोर्ट हाई कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। अगर राहुल गांधी का फैसला सुरक्षित रखा जाता है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस आगामी लोकसभा में चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। जी पिछली बार देखा गया था जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तो आज जिस तरीके से फैसला आया है, क्या कुछ ऐसा प्रदर्शन कर सकती है कांग्रेस? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गुजरात की सेशन कोर्ट की तरफ से फैसला आया है। अब राहुल गांधी इसमें पूरी तरह से अगर देखें तो जब फैसला आया था, जब उनकी पहली मरतबा 23 मार्च को जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया था, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी एक सत्याग्रह किए थे। ठीक वैसे ही माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को जैसे वो घेरने का प्रक्रिया करती है, ठीक वैसे ही एक बार फिर आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आएगी। साथ ही देखने वाली बात ये भी होगी कि लोकसभा चुनाव में जहां राजनीतिक विश्लेषणों का कहना है, राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इसका फायदा राहुल गांधी को मिल सकता है लोकसभा चुनाव में, तो वो चुनाव के बाद देखने वाला साफ हो पाएगा। मगर
बात करें तो राहुल गांधी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले को लेकर क्या राहुल गांधी को की सदस्यता, फिर अगर बात करें तो राहुल गांधी की 2 साल की सजा कम की जाती है या उन्हें जेल जाना पड़ता है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो बता दें कि मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को जो है राहत नहीं मिली है। सूरत सेशन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, 15,000 का जुर्माना लगाया था, और जिसको लेकर आज गुजरात की सेशन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। वहीं बता दें मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी राहुल गांधी को, जिससे उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर यह साबित हो जाता है कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा गंवाने के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया था, तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय में उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी का नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी बना रहेगा, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया था कि टीएमसी के राष्ट्रीय पार्टी दर्जे के लिए ममता बनर्जी ने अमित शाह को फोन किया था। हालांकि इन दावों को ममता ने खारिज कर दिया है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा है कि ये कोई साबित कर दे कि उन्होंने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए अमित शाह को फोन किया था, तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। और ये आरोप जो है शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पे लगाया है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ये साबित हो गया तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक देखिए, वहीं ममता बनर्जी कह रही हैं कि अमित शाह से उन्होंने फोन करके जिस तरीके से कहा था कि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिला दिया जाए, अगर ये बात साबित होती है तो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगी। देखिए, पिछले हफ्ते ही चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो छीन लिया और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। तकरीबन 10 साल के अंदर ही काफ़ी कम समय में आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन के उभरी है। हम आपको बता दें कि जो दावा जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है शिवेंदु अधिकारी कर रहे हैं कि एक हफ्ते बाद जो है ममता बनर्जी जो टीएमसी सुप्रीमो है वो लगातार फोन पे फोन जो है अमित शाह को कर रही है ताकि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जे से हटाया ना जाए। सबसे पहले इस बात का खंडन ममता बनर्जी किया कि ये बात गलत है और मैंने केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह को ऐसा कोई भी संपर्क सूत्र नहीं साधा है अपनी पार्टी से लेकर या फिर किसी भी बात को लेकर। और हम आपको बता दें कि ये जो निर्णय होता है वो चुनाव आयोग तय करता है कि किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा और किस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया जाएगा। इसके पीछे तमाम समीकरण होते हैं। कई राज्यों में आपके वोट परसेंटेज 6% से ज़्यादा होना चाहिए, 2-3 राज्यों में कम से कम एक राज्य में आपकी सरकार हो, 2-3 राज्यों में आपका वोट शेयर 6% से ज़्यादा हो, तमाम ऐसे समीकरण होते हैं। उसके बाद चुनाव आयोग ये तय करता है कि कौन सी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बनने के लायक है या नहीं है। अगर बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस जो है सिर्फ बंगाल में ही नज़र आती है, वहीं जो हाल ही में नई राष्ट्रीय पार्टी बन के उभरी है आम आदमी पार्टी, दिल्ली के बाद पंजाब में उसकी सरकार है और 2 जगहों में बहुमत की सरकार है, 3 से 4 राज्यों में अच्छी खासी वोट शेयर उसने हासिल की है। तो नई राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बनी और पिछले हफ्ते ही तमाम ऐसी पार्टियों के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया जिसमें टीएमसी भी शामिल थी। उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के शिवेंदु अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि ममता दीदी के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को फोन किया जा रहा है और अब ममता बनर्जी ने बाकायदा इसका खंडन किया गया कि जिस दिन यह बात साबित हो जाती है वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। लेकिन ममता बनर्जी ने देखे इस पूरे मामले को लेकर अपनी सफाई पेश कर दी है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से दावा कर रहे हैं आने वाले दिनों में सियासत तेज होने वाली है इसको लेकर। देखिए, सियासत तो पहले से ही तेज है। बंगाल चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी जो है वो मेहनत लगा दी थी, पूरी जी जान लगा दी थी, उसके बाद भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो है दोबारा सत्ता में आई
उसके बाद लगातार जो है भाजपा और टीएमसी के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली। बाबुल सुप्रियो जो भारतीय जनता पार्टी सांसद थे, उसके बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया। तो लगातार जो है ये द्वंद्व, ये रिश्ते जो है बंगाल में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिली। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होना है, टीएमसी सपा के साथ जा सकती है, तीसरे मोर्चे के गठबंधन की बात चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है हर एक हिसाब से हर पार्टियों को, हर क्षेत्रीय पार्टियों को जो है वो टैकल होने की तरफ देख रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दावा किया है कि ममता बनर्जी के द्वारा बार बार फोन किया जा रहा है अमित शाह को, इस पर बड़ी सफाई देते हुए ममता बनर्जी कहा कि अगर ये दावे साबित होते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस दावे को सच साबित कर पाते हैं, तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगी। और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है वो बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। तो बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय पार्टी दर्जा को लेकर अमित शाह को फोन किया था। वहीं ममता बनर्जी ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो मैं अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगी। बीजेपी के सबसे प्रमुख युवा चेहरों में शामिल तेजस्वी सूर्या आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं है, जिससे राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि तेजस्वी सूर्या आरएसएस के स्वयंसेवक और बीजेपी के युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं। उन्हें पार्टी में हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर देखा जाता है। इतना ही नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के कट्टर आलोचक भी हैं। लेकिन भाजपा की जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम न होना चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता इस स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल हैं। वहीं स्टार प्रचारकों में तेजस्वी सूर्या को नहीं शामिल किया गया है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखिये बीजेपी की तरफ से 40 लिस्ट जो है जारी की गई है स्टार प्रचारकों की, वहीं तेजस्वी सूर्या की उसमें नाम नहीं दिया गया है। नंदनी, आपको बता दें कि आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की 40 की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें देश भर के 40 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को कि जो है उनको रखा गया है। इसमें अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु साउथ से सांसद तेजस्वी सूर्या को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। आपको बता दें कि इसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से तेजस्वी सूर्या को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है, उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो कर्नाटक के जो तमाम राजनीतिक दल हैं इसको लेकर हमलावर हैं, और तेजस्वी सूर्या से उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर होने को लेकर सवाल भी पूछ रहे हैं। अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं तेजस्वी सूर्या बीते दिन ट्रेंड हो रहे थे, जिसमें विरोधी दलों के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी सूर्या हाल फिलहाल में अगर बात करें तो कार्यालयों के अंदर में जाकर रजिस्टर चेक करके और कोई कौन किस धर्म का है, किस जाति का है, इसकी एक समीक्षा करते हुए नजर आए थे। साथ ही उनकी तरफ से एक विमान में इमरजेंसी विंडो खुलवाने को लेकर एक विवाद हुआ था, जिसको देखते हुए कहा जा रहा है कि तेजस्वी सूर्या को स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर रखा गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि तेजस्वी सूर्या को उनके जो लोकसभा क्षेत्र है उसके अंदर में आने वाली विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस करने की बात कही गई है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि बगैर बेंगलुरु के स्टार प्रचारक, जो कि पूर्व में लोकसभा चुनाव हो या पूर्व जब कर्नाटक के अंदर में चुनाव हुआ था जिसमें येदियुरप्पा की सरकार बनी थी, उसमें तेजस्वी सूर्या की एक बड़ी भूमिका नजर आई थी, मगर इस बार के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं तेजस्वी सूर्या को बाहर रखने का नतीजा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें उनके क्षेत्र भेजा गया है और वहाँ की जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए उन्हें दायित्व दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले को लेकर जहाँ तमाम विपक्षी दल
तेजस्वी सूर्या के मामले को लेकर हमलावर हैं, इसमें आगे क्या होता है जी? लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी सूर्या को दरकिनार किया गया है तो क्या लगता है बीजेपी को इससे कुछ नुकसान होगा? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से फैसला किया गया है कि बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रखा जाएगा। इससे साफ ये है कि उनकी जिम्मेदारियां बेंगलुरु के साउथ में तय की गई हैं। अब हाल फिलहाल की घटनाओं से कुछ गलत ना हो, कहीं विरोधी जो दल हैं उनको एक अवसर ना मिले, जिसको देखते हुए उन्हें बाहर रखा गया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का कहना है। अगर बात करें इस लिस्ट में 40 लोगों के नामों को रखा गया है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत, अगर बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री और देश में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले योगी आदित्यनाथ को इस लिस्ट में रखा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बगैर तेजस्वी सूर्या के कर्नाटक के अंदर में भारतीय जनता पार्टी कितना अपने इरादों में, मंसूबों में कायम हो पाती है जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो बता दें भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें तेजस्वी सूर्या को दरकिनार किया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि तेजस्वी सूर्या को कांग्रेस का कट्टर विरोधी कहा जाता है, वो लगातार कांग्रेस पर तेजी से हमला बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वो तेजस्वी सूर्या को जगह नहीं दिया गया है बीजेपी की तरफ से। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में उन्हें औरंगाबाद से फोन पर धमकी मिली थी, जिसको लेकर वो चर्चा में हैं। हालांकि मामला नगर थाना में दर्ज करवा दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर फोन करने वाले युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। वही गिरफ्तार युवक की पहचान कर ली गई है। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के दौरान पूछताछ में उसने बताया कि वो आरजेडी विधायक का साला है, वो आरजेडी का सक्रिय कार्य करता है और लालू परिवार का घनिष्ठ है। तो आरजेडी विधायक का साला बताया जा रहा है, जिन्होंने तेज प्रताप यादव को धमकी दी है। वहीं पर बताया जा रहा है तेज प्रताप यादव को एक फोन से धमकी मिली थी, जिसको लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, तेज प्रताप यादव को धमकी मिली थी, जिसको लेकर उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई थी, वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और बिहार में इस समय वर्तमान में जलवायु और पर्यावरण मामलों में मंत्री हैं। अगर बात की जाए तो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, मामला चाहे कोई भी हो, तेज प्रताप यादव लगातार अपनी सुर्खियां बटोरते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले बनारस में एक होटल की बात थी, जिसमें ऐसा कहा गया था कि उनको जो है जो होटल प्रशासन है उन्होंने उनके साथ जो है बदतमीजी की थी, जिसके बाद होटल के जो मैनेजर है उनका माफ़ी मांगते हुए वीडियो पर आया था। इस बार लेकिन मामला कुछ अलग लग रहा है, और बाकायदा औरंगाबाद से फ़ोन किया गया, फ़ोन पर तेज प्रताप यादव को धमकी दी गई, पुलिस ने FIR दर्ज की, उसके बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी सुनील मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो सुनील मंडल ने बताया कि वो आरजेडी के एक विधायक भीम कुमार सिंह का साला है और ये आरजेडी का जो है सक्रिय कार्यकर्ता है। इसके बाद भी पुलिस ने उसे लगातार पूछताछ करती रही और आगे की कार्रवाई जो है वो जारी रखी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। वहीं बता दें तेज प्रताप यादव को एक फोन से धमकी मिली थी, जिसको लेकर उन्होंने थाने में शिकायत करवाई थी। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने बताया कि वो आरजेडी का घनिष्ठ कार्यकर्ता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि वो तेज प्रताप यादव को जो धमकी मिली थी, आपको बता दें कि उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।
प्राइम टीवी सच।